ओके स्टूडेंट्स, बट अब जैसे मैं आपको टॉपिक की इंट्रोडक्शन दे रही थी, दैट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रेगुलर एक्सरसाइजेस के अफेक्ट्स देखें, तो जो सबसे पहला अफेक्ट था, दैट इज़ द जनरल इम्प्रूवमेंट. जब हम कोई भी इस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं जो हमारे फूड को जल्दी डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर सीन होगी? जनरल हेल्थ में. दैट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट होगी हमारी जनरल हेल्थ में, एज वेल एज जो अपेयरेंस होती है एक इंडिविजुअल पर्सन की, या फिर हम जो बोलते हैं कि इस पर्सन की जो फिजिकल लेआउट है, दैट मीन्स की जो बॉडी की फिजिकल लेआउट है वो बड़ी ज़्यादा हेल्दी है. तो ऑटोमेटिकली अपेयरेंस प्लस जो इम्प्रूवमेंट होगी गुड हेल्थ में वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी. इससे हमारी बॉडी में जो एपिटाइट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन सेकेंड वन अफेक्ट्स इज योर जो क्वालिटी है ब्लड की, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी. क्यों? क्योंकि हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट को इनटेक कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी. किसकी वजह से होगी? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जा रही है. तो यही एक आप ये बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस रहती है कि जब हम प्रॉपरली डाइजेस्टिव, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है या प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी. और इसी की वजह से जो बेटर एबिलिटी होती है रिगार्डिंग एसिमिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में वो भी होना स्टार्ट हो जाती है. और जो न्यूट्रिएंट है वो किसकी तरह सर्व करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी. दैट मीन्स कि जो हम न्यूट्रिएंट टेक करते हैं डाइट के अंदर, तो वो किस तरह से एक्ट करेंगे, एज अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को दोबारा से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. तो यही चीज़ है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जब भी खाना खाता है तो हम क्यों बोलते हैं कि उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए. दैट मीन्स कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, जब ये प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगी, एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी. वही एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इन केस ऑफ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं. ये आपकी सेकेंड अफेक्ट्स था. अब थर्ड अफेक्ट देखो, रेगुलर एक्सरसाइजेस क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को डिकम्पोजिशन से या डिकम्पोजिशन ऑफ फूड से क्या करता है, प्रिवेंट करवाने में हेल्प करता है. जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी में क्या नहीं होती, गैस फॉर्मेशन नहीं होती. जैसे हम बोलते हैं ना हमें एसिडिटी होगी है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होता है हमारी फूड का वो क्या रहता है, इम्बैलेंस रहता है. हम प्रॉपरली डिकम्पोजिशन से फूड को इंटेक नहीं करते हैं. जैसे हमने सुबह खाया, मे भी दिन का स्किप कर जाएं, रात का भी स्किप कर जाएं, या हम मॉर्निंग में फूड ही इंटेक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंपोजिशन है वो बिगड़ रही है. मतलब कि बैलेंस नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है. दैट मीन्स कि गैस फॉर्मेशन होती है. उससे भी हमें क्या प्रिवेंट करवाती है, जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गैस फॉर्मेशन है वो बनना बंद हो जाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी. एक जो प्रॉपर हेल्थ होता है, ट्रैक होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो प्रॉपर हेल्थ क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक को प्रिवेंट करवाती है. किससे? कॉन्स्टिपेशन से. ये भी एक तरह की बीमारी है कॉन्स्टिपेशन. आपको पता है कि मैक्सिमम हम देखते हैं कि लोगों में ये प्रॉब्लम सीन होती है. किसकी वजह से होती है? जब हम इम्बैलेंस फूड को इनटेक कर रहे हैं, प्रॉपर कंपोजिशन नहीं है फूड का, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम अराइजेज होती है. तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा फूड अच्छा है, न्यूट्रिएंट हम प्रॉपर ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इस बीमारी से हम क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं. देन नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम का अफेक्ट्स देखो आप. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, सच एज लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये हेल्दी रहते हैं और अपने अपने क्या करते हैं, फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं एफिशिएंटली वे में. दैट मींस कि अगर डाइजेस्टिव की प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, तो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, ऑस्पेगस, फिर इंटेस्टाइन, तो ये सारे क्या करेंगे, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे और हेल्दी रहेंगे. इसी के कारण जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से होगी, एफिशिएंट वे में होगी. दैट मींस कि प्रॉपर तरीके से बॉडी की फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये आपका रेगुलर एक्सरसाइजेस के अफेक्ट से ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th का ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट्स में क्वेश्चन है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे तो क्वेश्चन इस तरह से है,
डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड वाइटल कैपेसिटी. तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करते हैं, देन हम वाइटल कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे. अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स पे, दैट मीन्स कि ब्लड वेसल्स पे जब हम हमारी बॉडी में जब ब्लड वेसल्स होती हैं उनके इर्द गिर्द जब हम क्या करते हैं प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्रेशर कौन सा है, ब्लड प्रेशर है. ये किसकी वजह से होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, दैट मीन्स कि जो हमारा हार्ट है उसका जो हार्ट पंप करता है या फिर आप ये बोलते हो हार्ट बीट कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है. और ये नेसेसरी है कि हमारी जो ब्लड है वो थ्रू ब्लड वेसल से क्या करे, फ्लो करे. अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी पार्ट में कहीं ना कहीं क्या है, अफेक्ट है. तो इस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या किस में हेल्प करती हैं, फ्लोइंग ऑफ ब्लड. देन ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसको हम क्या अब्जॉर्ब करते हैं, बाय द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी. किस तरह से अब्जॉर्ब होती है, बाय द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी. और किसके इर्द गिर्द होती है, ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द होती है. बाय द टाइम ब्लड रीचेस द कैपिलरीज, जब क्या करता है ब्लड कहाँ पर रीच करता है, कैपिलरीज में रीच करता है. इस तरह का जब कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल्स के अराउंड में उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ ब्लड प्रेशर. अब देखो ब्लड प्रेशर की तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर किस तरह का प्रेशर होता है, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट, जब इस तरह का कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है हार्ट के इर्द गिर्द उसको हम क्या बोलते हैं, ये किस तरह का प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द हार्ट, जब डायस्टोल हो रहा हुआ है हार्ट का उस टाइम पे जब प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किस तरह का होगा, डायस्टोलिक प्रेशर. एंड पल्स प्रेशर विच इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर. अब आपको वेरिएशंस दी है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर या अडल्ट मेल्स में ब्लड प्रेशर किस तरह से वेरी करता है, कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए. सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 125 से 130 मिलीमीटर में होना चाहिए. डायस्टोलिक 70 से 9 mm में होना चाहिए. देन जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट आप ये बोल सकते हो काइंड्स में या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे एज में इन बिटवीन द 70 की एज में और यंग पर्सन्स में कितनी वेरिएशन होनी चाहिए. जैसे अगर आप अभी की बात करो एक नॉर्मल बॉडी में या जो अडल्ट पर्सन्स हैं, जो यंग बॉयज़ गर्ल्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर राइज नहीं करता है. बट वहाँ पर ही अगर हम अडल्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, एज राइज करती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, हमें ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं. तो इन्फेंट्स में कितना होना चाहिए बीपी, इन बिटवीन द 70 से 90 होना चाहिए. देन मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस रहता है, मेल्स की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मेल्स में पावर ज़्यादा होती है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली लोअर होता है देन मेल्स. फीमेल्स में क्या होगा, लोअर होगा एज कंपेरिजन टू द मेल्स. देन इसमें आप पोस्चर, जब हम कोई पालन पोषण करते हैं उसमें डायस्टोलिक बीपी स्लाइटली हायर इन स्टैंडिंग पोजिशन, दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन की बॉडी स्टैंडिंग पोजिशन में है तो जो डायस्टोल ब्लड प्रेशर है वो उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा होगा. देन इमोशंस में कितना होना चाहिए, फूड में, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं जिसको आप एक बार रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर हमें हमारा ब्लड प्रेशर कहाँ पर रेज करता है, कहाँ पर डाउन जाता है, इसको आप रीड आउट करोगे. इसमें मैंने 2-3 टिक की है तो आपने एग्जाम में भी सिर्फ टाइप्स मेंशन करनी है और कोई भी 2-3 को मेंशन करोगे. देन नेक्स्ट वन देखो वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट ही है, आप ये बोल सकते हो एक पार्ट है जिसमें हमें बताया है कि वाइटल कैपेसिटी में क्या होती है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय फोर्स एक्सपायरेशन आफ्टर टेकिंग डीप ब्रीथ और फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दैट मीन्स कि जो हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी. इट इज़ अबाउट 4800 cc in males and 3100 cc in females and can be measured by the instrument called spirometer. Males और females में इन्होंने difference बताया है, males की ज़्यादा होती है और females की कम होती है. और इसको हम किसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं, spirometer. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि जो vital capacity है उसको हम आप किस instrument के थ्रू मेज़र कर सकते हो, तो आपको options दिए होंगे, आप उसमें spirometer को टिक करोगे. देन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट मीन्स कि बढ़ावा देती हैं.
जैसे हमारा साइज हो गया, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल. ये किसके साथ रिलेट करती है? एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी की साइज से. देन इट इज लेस इन फीमेल्स. अगर आप मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन देखो तो फीमेल्स में क्या होगी, लेस होगी. देन पोस्चर, इट इज ग्रेटर इन द अपर राइट पोजिशन एंड अल्टर्स आफ्टर चेंजिंग द पोस्चर. ये अपर राइट पोजिशन में ज़्यादा होती है, और जैसे हम अपनी पोजिशन को चेंज करते हैं तो ये क्या करती है, इसमें भी अल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है. दैट मीन्स कि ये भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. देन अगर कोई डिजीज़ है लाइक निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, तो ये रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि आप देखते हो जिसको, जैसे हमें वायरल हुआ होता है तब भी हम बोलते हैं कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यही चीज़ है. अगर निमोनिया हुआ है या वायरल हुआ है या टीबी हुआ है तो ये रिड्यूस हो जाएगी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. दैट देन टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये क्या, ये भी डेफिनेशंस है, आप इसी में इंक्लूड करोगे. अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, ये टोटल वॉल्यूम होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है. बेसिकली ये वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लंग्स में, आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन. दैट मीन्स कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है उसको आप क्या बोलते हो, टोटल लंग कैपेसिटी. देन सेकेंड विंड क्या होती है, द रिलीफ इन रेस्पायरेटरी डिजीजेज इज फेल्ट ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेज ऑफ एक्सरसाइजेस. जब हमारे रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, दैट मीन्स की रेस्पायरेटरी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हमें उस चीज़ से रिलीफ मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, ये कैसी कंडीशन है, सेकेंड विंड की कंडीशन है. देन मिनट वॉल्यूम क्या होती है, ये वॉल्यूम होती है एयर की जिसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट में ब्रीथ, एयर को ब्रीथ करते हैं इन वन मिनट में. दैट मीन्स कि एक मिनट के अंदर आप क्या कर रहे हो, कितनी एयर को ब्रीथ कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, मिनट वॉल्यूम. ये सब आप इसमें डिस्कस करोगे वाइटल कैपेसिटी के अंदर. इसके साथ आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, अफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम. तो आप सिंपल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रेगुलर एक्सरसाइजेस के अफेक्ट्स ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द फिजिकल एक्सरसाइजेस अफेक्ट्स ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम. तो अगर आप दोनों तरह से क्वेश्चन आया है तो आपने आंसर सेम ही लिखना है. अब देखो फर्स्ट वन क्या है, लंग्स की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. दैट मीन्स कि वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों ही क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. जब हम किसी भी फिजिकल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं. तो जब हम इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है और बॉडी की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी. फिर इन्होंने बताया है, जो हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, अगर ट्रेंड एथलीट को देखो तो उनमें कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर. वेयर एज जो अनट्रेंड होते हैं उनमें जो वाइटल कैपेसिटी होती है या वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 3 से 4 लीटर. ये वेरिएशन बताई है ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन का. देन फिजिकल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से सेकंड जो अफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ द डिक्रीज इन ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी. जो हमारी ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. जैसे आप देखते हो समटाइम आप सुबह रनिंग के लिए जाते हो, तो जब आप दौड़ रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस क्या होती है, लेने में प्रॉब्लम होती है. दैट मीन्स कि हम प्रॉपरली तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. तो वही चीज़ है, जो हमारी ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं. देन मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन, दैट मीन्स कि जब हम एक ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो हमारी मैक्सिमम वेंटिलेशन होती है एयर को इनटेक और एक्सहेल करने की, वो इंक्रीज होती है. एक अनट्रेन पर्सन की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 100 लीटर पर मिनट वॉल्यूम होती है. वेयर एज द ट्रेन पर्सन की कितनी होगी, 160 से 150 लीटर पर मिनट वॉल्यूम होगी. ये एक इंडिविजुअल पर्सन की मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन की वॉल्यूम है. देन टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, ये आपको पता है. टाइडल वॉल्यूम जो हम अमाउंट ऑफ एयर इनटेक और एक्सपायर्ड, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं पर ब्रीथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ टाइडल वॉल्यूम. तो इसमें जो अनट्रेंड इंडिविजुअल की टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी रहती है, 500 मिलीलीटर पर ब्रीथ, और जो ट्रेन पर्सन है उनकी 600 से 700 मिलीलीटर पर ब्रीथ रहती है. देन लास्ट वन इज इंक्रीज इन वेंटिलेटरी एफिशिएंसी. जो हमारी बॉडी के वेरियस वेसल्स होती हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग हमारा जो एंड्योरेंस फैक्टर है, दैट मीन्स कि जो पेशेंस लेवल है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है. इसी के साथ जो हमारी वेसल्स
या फिर आप ये बोल सकते हो एयर वेसल्स कंज्यूम करने वाली कैपिलरीज होती हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी और वो एफिशिएंट तरीके से वर्क को परफॉर्म करेंगी। तो ये आपके रेगुलर एक्सरसाइजेस के अफेक्ट्स थे ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके साथ हमारा बेटा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट मींस कि चैप्टर नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है, आप खुद से सिर्फ रीड आउट करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, दैट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और दो क्वेश्चन को मैंने आपको स्किप करवा दिया क्योंकि उस वो जो दो क्वेश्चन थे उसका जो आपका मटेरियल था वो आपकी बुक में मेंशन ही नहीं किया हुआ, इसलिए आप वो दोनों क्वेश्चन स्किप कर दोगे और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसके साथ आपका सिलेबस भी कम्प्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को रिवीजन लेक्चर रखेंगे, मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से आपको रिवीजन लेक्चर शेयर करूँगी। सिर्फ आपको YouTube लिंक ही शेयर होंगे, PDF शेयर नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास PDF है, तो मैं सिर्फ YouTube लिंक शेयर करूँगी, उसमें सिंपल लिख लूँगी रिवीजन लेक्चर नंबर 1। सो दैट कि अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं रिवीजन लेक्चर शेयर करूँगी आप साथ साथ में क्या करोगे, रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे।